सामने क्या है? क्या हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर ले? आपके सामने क्या है कि जो आप? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ खालिद रिजवी। आज मेरे टॉक का मौजू है फ्रॉम साइफर केस टू यूएस कांग्रेस रेजोल्यूशन June 25 अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसी मैं अपनी बात शुरू करता हूँ इससे, डिकॉर्ट के एक कोटेशन से, आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं सोचता हूँ तो मेरा वजूद है, यानी मेरे सोच से मेरे वजूद का ताल्लुक़ है। मेरे अंदर अगर ये एहसास है तो मेरा वजूद है। इसीलिए मैं दावत फ़िक्र देता हूँ अपने PTI के दोस्तों को कि आप साइफर केस से शुरू हो जाएं और अब आप PTI के फेवर में या इमरान खान के फेवर में ये रेजोल्यूशन आया है, और उसकी बुनियाद जो कंडीशंस हैं वो उसका जवाब भी पाकिस्तान की तरफ से चला गया है कि नो इंटरफेरेंस एंड टिट फॉर टैट के उसूल के तहत, कि एब्सोल्युटली नॉट करके फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया है। लेकिन रेजोल्यूशन था क्या? यही कि इलेक्शन जो है वो प्रोब होना चाहिए, उसका रिग्ड इलेक्शन था February 8 का। दूसरा था ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वहाँ। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो डेमोक्रेसी के ताल्लुक से था। तो अब हम एक एक चीज़ को देखते हैं कि प्रोब जो है रिग इलेक्शन के सिलसिले में, आखिर 2018 के इलेक्शन में RTS जब बैठा था वो क्यों नहीं हुआ, या नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस हुए हैं उसमें हामिद खान जो PTI के सदर भी रह चुके हैं और PTI में ही हैं और बड़े ग्रेसफुल पर्सनालिटी रखते हैं और बार के मेंबर भी हैं, JioTV में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था 6 महीने पहले कि वो जो केस बना था वो रियासत की तरफ से बनाया गया था, वो केस जो करप्शन का था। तो वही चीज़ हुई है जो आज इमरान खान के साथ हुई है, वो पहले नवाज शरीफ के साथ हुई थी। लेकिन हमारे जो PTI के दोस्त हैं या PTI के लोग हैं उनके अंदर अब तक वो जुनूनी कैफियत या वो कल्ट वाली कैफियत अब तक नहीं ख़त्म हुई है। वो लीडर को एक स्पिरिचुअल ताल्लुक से देखते हैं, जबकि पॉलिटिक्स में एक अलग अंदाज होता है। जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, उन्हें तो चलिए मोरल कैंपस में लिए ही नहीं जा सकता, वो चोर भी हैं, डाकू, सब कुछ हैं, लेकिन इनको तो स्पिरिचुअल लेवल पे लिया जाता है। उन्होंने जब साइफर का केस जब बना था उस वक्त क्या हुआ था कि एब्सोल्युटली नॉट करके, और फिर क्या हम ग़ुलाम हैं, और आज इतना बड़ा जो है कांग्रेसमैन की तरफ से सपोर्ट में सब कुछ हो रहा है उनके, तो ये समझने की ज़रूरत है कि अब जाहिर है प्रोब जब उस अब आज क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं? वो रिग इलेक्शन पहले भी हुआ है और उस वक्त भी नवाज शरीफ, एक तो ये, नंबर टू ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात हो रही है तो इसमें भी गाज़ा में जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, उस पर क्या क्या हिकमत अमली रही है US की, सब इस पे आया है। और फिर उसके अलावा आप चले जाएं आप डेमोक्रेसी, जमहूरियत में मर्सी के साथ क्या हुआ और CC को लाया गया, तो ये एक हकीकत तो ये सब कुछ है। और दुनिया में जितनी भी मुस्लिम हुकूमतें हैं उसके डिक्टेटरशिप को ही उनको सूट करता रहा है। उसके अलावा अगर हम आ जाएं कि ये आखिर क्या वजह है कि ये जो सपोर्ट है क्या इमरान खान के लिए हो रही है, क्या वजह है कि वो गोल्ड स्मिथ फैमिली पीछे से है, या क्या है जमैमा, ये वजह है, या दूसरी वजह ये भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटीज़ पे बात कर रहा हूँ मैं, कि इस वक्त CPAC 2 जो शुरू होने वाला है जिसके लिए
बहुत बड़े लेवल पे एग्रीमेंट्स भी हो गए हैं, अभी सारी पार्टियों को एक पेज पे लेके भी आए हैं चाइनीज़ जो उनके फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, और इस पे काम तेज़ी से हो रहा है सीपैक 2 का। तो क्या ये असल में बीजिंग वर्सेस वाशिंगटन है, और इसमें जो है इमरान खान को जो कि डिमांड है चाइना की कि सीपैक 2 अगर शुरू करेंगे तो दो चीज़ों दो कंडीशंस उन्होंने लगाए हैं, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और दूसरे सिक्योरिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं है जब तक कि आप इमरान खान को जो जेल में इन्होंने डाला हुआ है वो उसको मैं किसी भी तरीके से सही नहीं समझता हूँ, जिस तरह के पहले भी 2018 में जो भी कुछ हुआ है तो ये भी सही नहीं है। लेकिन वो सारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब डिपेंड करती है कि किस तरह से इमरान खान के मसले को ये डील करते हैं। तो इसमें यही है कि वो इंस्ट्रूमेंटल बन सकते हैं क्योंकि अमेरिका के लिए, और यही ये भी वजह है कि उसको सपोर्ट की वजह यही हो सकती है कि जिस तरह की एक मिसाल दी जाती है शेख मुजीब की कि शेख मुजीब को भी बांग्लादेश के लहदा करने में जब तक कोई बड़ी पावर ना हो उसके बगैर कुछ भी नहीं होता, वरना कश्मीर में क्यों नहीं हो सका आज तक, और आज तक फ़लस्तीन क्यों नहीं आज़ाद हुआ। तो ये उस वक्त भी ऐसे ही था कि शेख मुजीब इंस्ट्रूमेंटल थे बड़ी ताकतों के लिए, जिसमें रूस बहुत आगे था, रूस था, इंडिया और फिर अमेरिका भी। तो अब इमरान खान की पोजीशन जो है सियासी तौर पर तो खैर शेख मुजीब के नज़रियात जैसे तो कोई ममासलत नहीं है, क्योंकि शेख मुजीब जो है वो तो फौज को आखिरी जो जलसा किया है उसने पलटन मैदान में कहा है कि बैरक में जाओ, ये नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जनरल जो है हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो इस तरह से इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि फौज का या इसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। तो उनमें और इनमें ये फ़र्क है, लेकिन पॉलिटिकल जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है या वो है वो उन्हीं की इस वक्त ज़्यादा है, और मुमकिन है कि उसको अगर उनका मामला सेटल्ड और उनकी इसीलिए पीछे से जो बैकअप या सपोर्ट हो रही है, एक वजह मैं प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ कि क्या ये वजह, क्योंकि जब जेनेवा में भी हुआ था, क्या कहते हैं आप देखें कि जेनेवा में ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर जो इसराइल के जो लोग थे जो ग्रुप था उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया था इमरान खान को। तो अब ये सारे सवाल जो हैं हमारे जहन में उठ रहे हैं, और आपको भी इसीलिए मैं सोचने की तरफ कह रहा हूँ कि इसका जवाब आप खुद सोचें कि क्या हो सकता है कि ये साइफर पहले साइफर से एक पॉपुलैरिटी गेन हुई है काफ़ी, और फिर आज जो है वो सपोर्ट भी जिनसे कहा जाए वो जिनसे ग़ुलामी की बात की जा रही थी आज उन्हीं का सपोर्ट भी है। तो ये सब कुछ क्या है ये ज़रूर हमारे जो प्रोफेशनल्स जो कहलाते हैं जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट की तो वैसे ही इनके अंदर कमी है ये जितने भी लोग हैं हमारे, क्योंकि शहर में जिस तरह मोदी को इस मरतबा झटका लगा है उसकी वजह यह है कि रूरल इलाके में मोदी के ख़िलाफ़ थे लोग, और शहर में ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया और इनका दिमाग प्रोग्राम बीजेपी आईटी सेल वहाँ भी है जो प्रोग्राम कर देता है उनको। तो अपने जहन से सही और गलत और खैर और शर को समझने की सलाहियत लगता है हमारे यहाँ के, चाहे वो डायस्पोरा बीजेपी का हो या हमारा हो, तो ये सबका यही हाल है, और वो इस बात को नहीं सोचते हैं कि क्या वजह है कि पहले ऐसा था और अब नहीं है। इवन इन्होंने डॉक्टर आफिया के सिलसिले में भी पूछा था जब ट्रंप ने, तो ट्रंप के साथ जब बैठे हुए थे किसी रिपोर्टर ने, तो उसको इग्नोर कर दिया था उन्होंने, जबकि सबसे पहली कनेक्शन अवाम की जो हुई है वो इमरान खान ने बैठ के वही डॉक्टर आफिया एवन रॉडली के साथ बैठ के कनेक्ट किया है, उसके बाद उसकी उन्होंने फिक्र ही नहीं की थी। खैर
یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میرا آخری بس یہی سوال ہے کہ سائفر اور آج یہ تو کیا مطلب ہے، کوئی اصول، کوئی نظریہ اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہیں کہ جو فالوورز ہیں وہ اسپریچول لیول پہ ان کو مانتے ہیں، جبکہ اور دوسرے کسی بھی سیاسی لیڈر کو کوئی مورل گراؤنڈ پہ کوئی نہیں لیتا اتنا. تو یہی ہے، اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تھینک یو، جزاک اللہ خیر.